गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम इन आवर क्लासेस। लेट स्टार्ट्स अवर टुडेज टॉपिक विच इज़ चैप्टर 18, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो आज हम पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर शुरू करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। तो एयर एंड वाटर आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस। बोथ एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, बट वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अर्बेनाइजेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैव कंटामिनेटेड बोथ एयर एंड वाटर। तो एयर और वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, सभी इंसानियों के ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। बट हमारी ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है, हमारे कुछ काम है जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अर्बेनाइजेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इन्होंने इसको कंटामिनेटेड कर दिया। कंटामिनेटेड का मतलब होता है इसको प्रदूषित कर दिया है, बोथ एयर एंड वाटर। दिस हैड लीड टू सीरियस हेल्थ हजार्ड्स एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एसिटन, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और एसिड रेन हो रही है। सो इट इज़ वेरी इशेंशियल दैट एयर एंड वाटर आर फ्री फ्रॉम एनी हार्मफुल सब्सटेंस। तो इसलिए हमारे लिए हवा और पानी का शुद्ध होना बहुत ही ज़रूरी है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। इस चैप्टर में हम पोल्यूशन ऑफ एयर और वाटर के बारे में जानेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पोल्यूशन, पोल्यूशन क्या होता है सबसे पहले वो देख लेते हैं हम। ओके, तो देखो, द कंटामिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर एंड वाटर बाय एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज कॉल्ड पोल्यूशन। कंटामिनेशन मतलब उसका ख़राब होना, गंदा होना। जो हमारी नेचुरल चीज़ें जैसे पानी, हवा है, वाटर है, या उनमें टॉक्सिक एंड पॉइजनस चीज़ों का ऐड हो जाना, जहरीली चीज़ें ऐड होना हमारे हवा और पानी में, हमारी एक्टिविटीज है, इसको हम पॉल्यूशन बोलते हैं। पॉल्यूशन कॉजेज अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पोल्यूशन से क्या होता है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दैट एडवर्सली अफेक्ट बोथ ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे इसके ऊपर बहुत ही घातक प्रभाव डालती है, ऑर्गेनिज्म पर भी और नॉन लिविंग चीज़ों पर भी। एनी सब्सटेंस दैट कॉज पोल्यूशन इज कॉल्ड ए पोल्यूटेंट। कोई भी चीज़ जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा हो उसको हम पोल्यूटेंट बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, डस्ट, स्मोक, सीवेज, इट इज़ योर एयर पोल्यूटेंट, ये सभी एयर पोल्यूटेंट है। ए सब्सटेंस बिकम ए पोल्यूटेंट व्हेन इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजिंग बियॉन्ड ए परमिसिबल लिमिट इन द एनवायरनमेंट। किसी भी चीज़ को हम पोल्यूटेंट बोलेंगे जब वो ज़रूरत से ज़्यादा एनवायरनमेंट में बढ़ जाए, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाए, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए कुल मिलाकर। फॉर एग्जाम्पल, फर्टिलाइजर्स आर हेल्पफुल इंक्रीजिंग द क्रॉप यील्ड, बट यूज्ड इन एक्सेस, एक्सेस मतलब ज़्यादा, दे कंटामिनेट द सॉइल एंड सरफेस वाटर। सिमिलरली ग्रीन हाउस इफेक्ट मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, जैसे कि फर्टिलाइजर जो कि फसलों के लिए ज़रूरी होता है, इनको हम ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करें एक्सेस में, तो ये हमारी सॉइल को कंटामिनेट कर देंगे, ख़राब कर देंगे और सरफेस वाटर को भी गंदा कर देंगे। उसी तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करता है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाए, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जिससे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा एंड ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाएगी। एयर पोल्यूशन क्या होता है अब इसको देख लेते हैं। हमारी हवा का ख़राब होना विथ हार्मफुल अनवांटेड सब्सटेंस, जैसे टॉक्सिक गैसेस, स्मोक एंड डस्ट, कुछ अनवांटेड चीज़ें जैसे कि जहरीली गैसें, धुआं है, डस्ट है, हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डालती है एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन, इसको हम एयर पोल्यूशन बोल सकते हैं। द हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंस दैट कंटामिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट। कोई भी हार्मफुल चीज़ें जो कि हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करें उसको हम पोल्यूटेंट बोलेंगे। एयर पोल्यूटेंट नेचुरल सोर्सेज से भी हो सकता है, जैसे स्मोक, धुआं, डस्ट, धूल दैट अराइजेज फ्रॉम फॉरेस्ट फायर और वॉल्केनिक इरप्शन, जो कि फॉरेस्ट फायर या वॉल्केनिक इरप्शन से हो सकता है। नेक्स्ट है, बट मेजोरिटी ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आर एडेड टू द एटमोसफियर ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी। लेकिन बहुत से पोल्यूटेंट होते हैं जो हमारी एक्टिविटी से आते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स,
ऑटोमोबाइल एग्जास्ट इंडस्ट्रियल इमिशन मेनली फ्रॉम स्टील इंडस्ट्री माइनिंग एंड पावर प्लांट्स एश पार्टिकल्स। देखो ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, ये एयर को पोल्यूटेड करता है। कुछ एयर पोल्यूटेंट के बारे में जान लेते हैं और ये कहाँ से आते हैं एयर पोल्यूटेंट और इनका सोर्स, इनका स्रोत क्या है। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल को जलाने पर। ऑटोमोबाइल एग्जास्ट, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट वॉल्केनिक इरप्शन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ऑटोमोबाइल एग्जास्ट। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आती है? ऑटोमोबाइल एग्जास्ट एंड इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। एसिड फ्यूम्स कहाँ से आते हैं? फर्टिलाइजर्स इन केमिकल इंडस्ट्री। स्मोक, इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। डस्ट, स्टोन क्रशिंग, वुड वर्क, वॉल्केनिक इरप्शन। लेड कंपाउंड, ऑटोमोबाइल एग्जास्ट ऑन बर्निंग ऑफ लेडेड पेट्रोल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है, एयर कंडीशनर एंड स्प्रे कैंस में यूज़ होता है। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? तो देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड ये बहुत ही पॉइजनस गैस होती है, जो इसको ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे तो ये हमारे हीमोग्लोबिन में, ब्लड में हीमोग्लोबिन से कम्बाइन होगा और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे कि हमको सांस, दिस प्रिवेंट और कैरिंग काज इनकॉन्शियस और इवन डेथ, जिससे बेहोशी भी हो सकती है या वन डेथ भी हो सकती है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, इससे बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, सांस की बीमारियां एंड में इवन डैमेज लंग्स, हमारे फेफड़ों को भी नुकसान पहुँचे। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कॉजेस कंजेशन, फ्यूमिंग कमिंग आउट ऑफ, फ्यूम्स कमिंग आउट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कॉज इरीटेशन इन आई, आँखों में जलन, नोज एंड थ्रोट्स। पार्टिकल्स ऑफ लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं ऑटोमोबाइल में, एग्जास्ट कैन काज मेंटल डिसऑर्डर, जिससे दिमागी बीमारियां हो सकती है और ब्रेन डैमेज हो सकता है। पार्टिकल्स ऑफ डस्ट इन एयर कैन काज ब्रोंकाइटिस, डस्ट के पार्टिकल से ब्रोंकाइटिस हो सकता है। स्मोग दैट इज़ फॉर्म फ्रॉम स्मोक एंड फॉग, स्मोक का मतलब क्या, स्मोक और फॉग काज ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, लाइक अस्थमा, कफ एंड वीपिंग, वीजिंग। दे आल्सो रिड्यूस द विजिबिलिटी, देखने में भी दिक्कत होती है। एयर पोल्यूशन कैन कॉज एसिड रेन, देखो एयर पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन भी हो सकती है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, फॉसिल फ्यूल को जलाएंगे, कोल को, पेट्रोल को, डीजल को, इससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड अनबर्नड हाइड्रोकार्बन। ऑल ऑक्साइड एस्केप इन टू द एटमोसफेयर, ये सभी ऑक्साइड हवा में चले जाएंगे क्योंकि ये गैस होती है सभी। ये जो ऑक्साइड्स है सल्फर और नाइट्रोजन के, ये वाटर से रिएक्ट करेंगे, वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होता है उसके साथ में रिएक्शन करेंगे, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे और नाइट्रिक एसिड बनाएंगे। ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये जो एसिड है फिर बारिश के पानी के साथ आते हैं, जिसको हम रेन बोलते, एसिड रेन बोलते हैं, रेन एसिडिक हो जाती है हवा, बारिश का पानी एसिडिक हो जाता है। रेन वाटर कंटेनिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व एसिड्स इज कॉल्ड एसिड रेन, जो बारिश का पानी होता है उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एसिड डिजोल्व होते हैं, जिसको हम एसिड रेन बोलते हैं। डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? एसिड रेन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल, एसिड रेन की वजह से क्या होगा, सॉइल में एसिडिटी बढ़ जाएगी, मिट्टी के अंदर एसिडिटी बढ़ जाएगी एंड दस अफेक्ट द प्लांट एंड एनिमल लाइफ, जिससे प्लांट और एनिमल की लाइफ इफेक्टेड होगी। इट लीड्स टू द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी, उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी। एसिड रेन मेक्स द वाटर ऑफ लेक्स एंड रिवर एसिडिक, एसिड रेन की वजह से क्या होगा, लेक्स का और रिवर का पानी एसिडिक हो जाएगा, जिससे कि एक्वाटिक प्लांट जो है, पानी में रहने वाले प्लांट और एनिमल, वो उनको डिस्ट्रक्शन होगा उनका। एसिड रेन डिस्ट्रॉय मोन्यूमेंट एंड बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है और जो मोन्यूमेंट है उनको नुकसान पहुंचेगा, जैसे ताजमहल है उसके जो संगमरमर है उसको नुकसान हो रहा है। एसिड रेन प्रोमोट कोरोजन ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट, मेटेलिक ऑब्जेक्ट को कोरोजन होगा, जैसे रेलवे ब्रिज एंड गेट्स, देखो ताजमहल के बारे में दे भी रखा है। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन, ये मोन्यूमेंट है ताजमहल,
इसके इससे कि जो मार्बल है उसका वाइट कलर का वो ख़राब हो रहा है, पीलापन आ रहा है उसमें। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन कॉज ग्लोबल वार्मिंग। एयर पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होगी। ग्लोबल वार्मिंग मतलब हमारी ग्लोब मतलब अर्थ, हमारी अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। देखो द फिनोमिनन वेयर बाय द अर्थ एटमोसफियर ट्रैप सोलर रेडिएशन कॉज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन एंड CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो रेडिएशन मतलब लाइट, इनके वजह से हमारे अर्थ का एटमोसफियर बढ़ेगा। विदाउट द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट द अर्थ सर्फेस वुड बी टू कोल्ड टू सस्टेन लाइफ। अगर नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होगा हमारे अर्थ ठंडी हो जाएगी और वहाँ पे जीवन नहीं हो पाएगा। और ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाए द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, अगर ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस हो गई बियॉन्ड नेचुरल लिमिट, जितनी चाहिए उससे ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा हो गई, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है जो नाम अभी आपको मैंने बताया, हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। सो ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, एवरेज उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाई देगा। डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या डैमेजिंग इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे पोलर आइस, जो पोल होते हैं वहाँ जो बर्फ जमी हुई है वो पिघलेगी, पिघलने के बाद वो सी में जाएगी, जिससे सी का लेवल बढ़ेगा और वहाँ के जो आसपास के सी के जो कोस्टल एरिया पर रहने वाले लोग हैं वो उसमें डूब जाएंगे। क्लाइमेट एंड रेनफॉल पैटर्न वुड चेंज, क्लाइमेट और रेनफॉल का पैटर्न बदल जाएगा। इट विल आल्सो अफेक्ट एग्रीकल्चर, खेती को अफेक्ट करेगा एंड दस प्रोडक्शन ऑफ फूड, फूड प्रोडक्शन को भी अफेक्ट करेगा। गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज हैज स्टार्टेड मेल्टिंग बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। जो हिमालय का जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो मेल्ट होने लगा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग मतलब हमारे ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ना है ना, ठीक है। एयर पोल्यूशन कॉजेस डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, हमारी जो ओजोन लेयर है जो हमको अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो सनलाइट में होती है उनसे बचाती है, जिससे कि स्ट्रेटोस्फीयर में होती है ये गैस ओजोन लेयर, ये ओजोन हमको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है जो कि सन से आता है, सनलाइट में होता है। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है, एयर कंडीशनर एंड एरोसोल स्प्रे में आर रिलीज इन द एयर, द डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमोसफियर। ये ओजोन लेयर को डैमेज करता है ओजोन, ये रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशनर और एरोसोल्स में होता है, ये CFCs बोलते हैं जिसको हम शॉर्टकट में, ये वहाँ से निकलता है केमिकल गैस के फॉर्म में। डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन से क्या क्या डैमेज इफेक्ट होगा, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आएगा, रीचिंग द अर्थ कॉज वेरियस डिसीज, हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होंगी इन ह्यूमन बींग्स में, ओके जैसे कि कैटरेक्ट, आँखों की बीमारियाँ, स्किन कैंसर, डैमेज ऑफ आई साइड, आँखों को नुकसान होगा। हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन ब्रिंग अबाउट चेंज इन द जीन स्ट्रक्चर, हमारे जीन DNA का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन कॉज डैमेज टू अर्ली डेवलपमेंट स्टेज जो फिशेस, जो फिश होती है जो वो शुरुआत में डेवलप होने लगती है उसको होगा, क्रेब्स वगैरह एंड अदर एनिमल्स को भी नुकसान होगा। मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, यूज मॉडर्न ऑटोमोबाइल इंजिन्स, मॉडर्न ऑटोमोबाइल इंजिन्स का यूज़ करना है हमारे व्हीकल्स में। ब्रिंग अबाउट कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, जिससे कि फ्यूल पूरे तरीके से कंबस्ट हो जाए, जल सके, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड का इन्वायरमेंट में कम हो जाएगी गैस। यूज़ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली क्लीन फ्यूल्स, इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्लीन फ्यूल यूज़ करना, जैसे CNG जिसको कंप्रेस नेचुरल गैस बोला जाता है, इन ट्रक्स, बस एंड अदर व्हीकल्स। CNG में मीथेन होता है, विच ऑन बर्निंग प्रोड्यूस लेजर पोल्यूटेंट, जिसको जलाने पे कम पोल्यूशन पैदा होता है, कोल, पेट्रोल। अर्लियर दिल्ली वाज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, दिल्ली जो सबसे पोल्यूटेड सिटी माना जाता है, वहाँ पे एक डिसीजन लिया गया है स्विच टू फ्यूल लाइक CNG एंड अनलीडेड पेट्रोल, जिसमें लेड ना हो ऐसा पेट्रोल यूज़ किया जाए, जिससे हमारे वहाँ की हवा साफ हो सके। यूज़ इनहेल्ड पेट्रोल, सॉरी यूज़ अनलीडेड
ऐसा पेट्रोल यूज़ करो जिसमें लेड ना हो। लेड एक मेटल होती है इन ऑटोमोबाइल्स में। दिस कॉज लेस एयर पोल्यूशन, जिससे कम एयर पोल्यूशन होगा एंड डज नॉट रिलीज टॉक्सिक लीड ऑन बर्निंग। रेगुलर पोल्यूशन चेक ऑफ व्हीकल शुड बी मेड मैंडेटरी। ग्रो मोर ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाओ। प्लान टू रिड्यूस इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो। प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस होती है। लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाने के लिए फेस्टिवल्स ऑफ प्लांटिंग ट्री, पेड़ पौधों को लगाया जाए। इस सेलिब्रेटेड एज वन महोत्सव, जो कि वन महोत्सव में सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ द जुलाई एवरी ईयर। यूज़ रिसाइकल पेपर टू सेव ट्री, रिसाइकल पेपर को सेव करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए पेपर को पेड़ों को बचाने के लिए। कैटलाइटिक कन्वर्टर यूज़ करना चाहिए इन ऑटोमोबाइल्स में, दैट कन्वर्ट हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू हार्मलेस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दे, जिसको रिप्लेस वुड कोल और केरोसिन। इन सबको, ये जो वुड कोल और केरोसिन, इनको रिप्लेस करना चाहिए क्लीन फ्यूल से, LPG फॉर डोमेस्टिक यूज़ के लिए। एनकरेज यूज़ ऑफ लेस पोल्यूटिंग एनर्जी रिसोर्सेस, लोगों को इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए लेस पोल्यूटिंग एनर्जी रिसोर्सेस, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। इनकरेज यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ऑर्गेनाइज अवेयरनेस कैंपेन इन लोकेलिटीज़ टू हाईलाइट द नीड टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम शुरू करेंगे वाटर पोल्यूशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हमने एयर पोल्यूशन के बारे में सब कुछ जाना। ओके, सभी को बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, वेरी मच, धन्यवाद।